कन्नौज बस हादसे में घायल लोगों को जानने के लिए, उनका हालचाल समझने के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इमरजेंसी मेडिकल अफसर को वार्ड से जाने के लिए बोल दिया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को कन्नौज के छिबरामऊ में बस हादसे के घायलों का हालचाल जानने के लिए गए थे। इस बीच कुछ परिजनों ने शिकायत की, कहा उन्हें अभी तक सरकारी मदद नहीं मिली है। इस दौरान ईएमओ ने सफाई देने की कोशिश की तो अखिलेश यादव भड़क गए और सरकारी डॉक्टर को बाहर जाने के लिए बोल दिया। उसे एक पार्टी विशेष का व्यक्ति बताया, उसे एक संगठन विशेष का व्यक्ति बता दिया। सबसे बड़ा मुद्दा में आज चर्चा इसी पर हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आता है। क्या ये गुस्सा सरकारी सिस्टम पर है या अखिलेश यादव ने डॉक्टर के बहाने सरकार पर गुस्सा निकाला है। लेकिन पहले हुआ क्या, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। सही पहचाना आपने, ये हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कन्नौज बस हादसे में घायलों का हालचाल जानने पहुंचे अखिलेश यादव को बातचीत के दौरान इमरजेंसी मेडिकल अफसर पर गुस्सा आ गया। एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। अखिलेश यादव कन्नौज बस हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए छिबरामऊ के अस्पताल पहुंचे थे। बातचीत के दौरान एक घायल के परिजन ने शिकायत करते हुए कहा कि कोई मदद नहीं मिली है। प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, क्यों कोई मदद नहीं, भैया इसको चेक तक नहीं मिली। इस बीच मौके पर मौजूद इमरजेंसी मेडिकल अफसर डीएस मिश्रा ने सफाई देने की कोशिश की तो अखिलेश यादव डॉक्टर पर ही भड़क गए, उसे पार्टी विशेष का व्यक्ति बता दिया। बहुत छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो, आरएसएस को हो सकते हो, बीजेपी को हो सकते हो। एक बार फिर से सुनिए कैसे अखिलेश यादव ने सरकारी डॉक्टर को एक संगठन, एक पार्टी का व्यक्ति बता दिया। आरएसएस को हो सकते हो, बीजेपी को हो सकते हो। अखिलेश यादव कितने गुस्से में थे इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि डॉक्टर के वहां से जाने के बाद उन्होंने लोगों से उनकी पोस्ट और जन्म स्थान पूछकर उस पर भी कमेंट किया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर है तो कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर, इसीलिए किसकी साइड ले रहे हैं? छिबरामऊ अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल अफसर ने अखिलेश यादव के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं थी, ये तो उनका फ्रस्ट्रेशन है। अखिलेश यादव जी का जो व्यवहार है डॉक्टरों के प्रति वो बहुत शर्मनाक है और मैं कहूँगा कि अखिलेश जी का ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि बुरी तरह से वो 2017 में हारे, फिर 19 में हारे और वो जो भी प्रयोग उन्होंने किए चाहे 17 हो चाहे 19 हो, वो उनके प्रयोग पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। न्यू स्टेट ने कन्नौज बस हादसे में घायल लोगों को मिली मदद को लेकर जब जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि कुल 32 लोगों को चेक दिया जा चुका है। सभी घायलों को, पहले 16 लोगों को, 12 लोगों को और 4 लोगों को, 32 लोगों को ये सहायता राशि वितरित कर दी गई है। अब कोई ऐसा घायल व्यक्ति नहीं है जो घायल हो और उससे सहायता राशि वितरित ना हुई हो। डॉक्टर के साथ अखिलेश यादव की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी जहां पूर्व मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठा रही है, वहीं प्रशासन ने भी साफ कर दिया, सभी घायलों को मदद दी जा चुकी है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ टेक। दरअसल चर्चा इन्हीं सब बातों को लेकर के कि क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको बाहर जाने के लिए कह देते हैं तो फिर आखिर ऐसा क्या शोभा देता है। ऐसे में हमारे कुछ सवाल हैं जिन पर आज चर्चा होगी, एक एक करके उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। क्या सरकार ने नाराज अखिलेश डॉक्टरों पर भड़ास निकाल रहे, सरकारी डॉक्टर को पार्टी विशेष का बताने के पीछे अखिलेश का आखिर मकसद क्या है, क्या सियासी हार से निराश अखिलेश यादव ऐसे बयान दे रहे हैं, और अगला सवाल क्या बस हादसे में मौत के आंकड़े को लेकर नाराज है अखिलेश, और आज का हमारा आखिरी सवाल क्या सिस्टम की लापरवाही के चलते अखिलेश यादव को गुस्सा आया। ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर बात होगी। मेरे साथ डॉक्टर के अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व
अध्यक्ष हैं आईएमए के। इसके अलावा उमाशंकर राजभर जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। संजीव मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सैयद मकसूद अशरफ साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। इसके अलावा मेरे साथ हिमांशु पराशर साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और पीएसपीएल के नेता भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन हिमांशु पराशर जी, पहला सवाल आपसे सर, अखिलेश यादव वहां हालचाल लेने के लिए गए थे कि लोगों की जान आफत में डालने के लिए गए थे? लोगों का हालचाल लेने गए थे, मरीजों को देखने गए थे, जो मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है, जिन मरीजों के संग गलत हो रहा है उसको लेकर अखिलेश जी ने सवाल किया था। और उनको लेकर जो सवाल अखिलेश जी ने किए, भाई जिन लोगों को आपातकालीन वार्ड में होना चाहिए, इमरजेंसी में होना चाहिए, उनको दवाई प्रॉपर मिलनी चाहिए, वो लोग मरीज अपनी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता रहे थे, और बताते बताते उनका बीच में टोकना, इस कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही दिखाई देती। वो तो न दवाओं की बात कर रहे थे, न सुविधाओं की बात कर रहे थे, वो तो बात ही कर रहे थे। डॉक्टर यमो को कहा बाहर चले जाओ, मरीज तो बता रहे थे, नहीं मरीज ये बता रहे थे कि हमें दवाई नहीं मिल रही है, हमें सर ये तो रिकॉर्ड में है ही नहीं, प्रॉपर ये तो रिकॉर्ड में है ही नहीं कहीं। चीज को लेकर आपको सपना आया था क्या रात में आपको सपना आया था, मरीज बता रहे थे दवा नहीं मिल रही है, क्या चीज रात में सपना आया था आपको, ये रिकॉर्ड में है क्या कहीं? और क्या चीज बता, और क्या बता रहे थे मरीज? भाई मरीजों की समस्याएं तो सुन रहे थे, टीवी पर बैठे थोड़ी जानकारी तो लेके बैठते, दर्द सुन रहे थे सर। अखिलेश यादव ने ईएमओ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर उसको कहा बाहर चले जाओ, भाग जाओ यहां से जी। सर डॉक्टर को जो वहां इलाज करा उसको कह रहे हैं बाहर चले जाओ, क्या मरीज के दर्द सुनना गुनाह है? नहीं नहीं दर्द सुनिए ना, दर्द सुनिए ना, दर्द सुनना गुनाह? अरे सर दर्द सुनिए ना, आप कहिए ना कि दवा दीजिए, आप कह रहे हैं बाहर चले जाइए, ऐसे होते हैं क्या पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? भाई मरीज का दर्द सुनना गुनाह कहां है? अरे मैंने कब कहा ना, सुनिए वहां पे दवाइयां सुनिए ना, मरीजों को इलाज किसने रोका सुनने से, सुनिए ना। लेकिन डॉक्टर को आप बाहर करेंगे क्या, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्या आप? भाई अगर डॉक्टर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, मरीजों की बात सुन रहे हैं, क्या डॉक्टर को बीच में टोकना चाहिए था? उनको उनकी बात पूरी होने देनी चाहिए थी सर। डॉक्टर ने केवल क्लेरिफिकेशन दिया था और डॉक्टर ने कोई गलत बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि सर जो मदद चेक की बात हो रही थी वहां पर, उन्होंने कहा कि जो चेक आए थे वो मिल गए, बहुत सारे लोग नहीं होते इसलिए इनको नहीं मिल पाए, मिल जाएगा। आप कह रहे बाहर चले जाइए और आपको सपना है, आप कह रहे दवाओं की बात हो रही थी, ऐसी तो ऐसा कोई भी जो है वीडियो के अंदर नहीं आ रहा है। एक बार वीडियो चलाइए और ध्यान से सुनिएगा, समय कम होता, बार बार नहीं सुनाऊंगा, इतनी मुझे उम्मीद थी कि इतनी जानकारी आप लेकर के बैठेंगे। एक बार चलाइए वीडियो। गोरखपुर इसीलिए किसकी साइड ले रहे हैं? दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। बहुत छोटे कर्मचारी हो मांशु पराशर जी, बहुत छोटे कर्मचारी हो, बीजेपी को हो सकते हो, आरएसएस के हो सकते हो, इस तरह से व्यवहार करते हैं आप? ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का गुस्सा अच्छा लगता है क्या? भाई जब क्या नाम है मिश्रा जी ने गोरखपुर का जिक्र करा, अखिलेश जी को उन बच्चों की याद, सर गोरखपुर का जिक्र नहीं किया, हिमांशु पराशर जी गोरखपुर का जिक्र नहीं किया जब वो डॉक्टर बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर का रहने वाला सर, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा ऑक्सीजन के अंदर, हिमांशु पराशर जी उन्होंने नहीं कहा, कौन जिम्मेवार है? उन्होंने नहीं कहा, आपको जानकारी नहीं है, मैं बताता हूँ सर आपको। उन्होंने कहा डॉक्टर मित्र नहीं, उन्होंने कहा कि रहने वाले, उन्होंने कहा गोरखपुर का रहने वाला। तो लीजिए, आप सुनते नहीं है, अंधभक्त हो गए अखिलेश यादव के चक्कर में, पूरी बात तो सुनिए जी। मैं कह रहा हूँ सर, जब डॉक्टर बाहर चले गए जी, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा कि इनका नाम क्या है, इनकी पोस्ट क्या है, वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इनका नाम ये है और इनकी पोस्ट ईएमओ की है। उन्होंने पूछा कहां के रहने वाले, उन्होंने कहा गोरखपुर के, उन्होंने कहा गोरखपुर के इसलिए साइड ले रहे हैं।
सर ये बताइए कि आप गाजियाबाद में पैदा हो गए, इसमें आपका दोष है क्या? कोई गोरखपुर में पैदा हो गया, कोई इटावा में पैदा हो गया, इसका किसी का दोष है क्या? गाजियाबाद गोरखपुर में, गोरखपुर का नाम सुनते ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वो बच्चों की, वो बच्चे याद आए जिनको ऑक्सीजन से मरे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? आप उसके लिए सरकार को कोसिए ना, कौन रोक रहा है आपको? जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसको कह रहे हैं बाहर चले जाइए, उसको आप बीजेपी का बता रहे हैं, उसको आप आरएसएस का बता रहे हैं। अरे भाई जो आज लोग ये कह रहे हैं गोरखपुर में इतने बच्चे मर गए ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, ये किसकी लापरवाही है सर? बात मैं कन्नौज की कर रहा हूं, बात मैं उन्नाव की कर रहा हूं, आप गोरखपुर चले गए। आपने गोरखपुर का जिक्र आया, मैंने गोरखपुर के बारे में बोला, मैं कह रहा हूं सर कोई गोरखपुर में अगर कोई गोरखपुर का रहने वाला उसमें उसका कोई दोष है क्या? अगर वो गोरखपुर के डॉक्टर हैं उसमें क्या दिक्कत है? अरे गोरखपुर का रहने वाला गोरखपुर के रहने का दोष नहीं है, गोरखपुर का जिक्र आती माननीय राष्ट्रपति जी को उन बच्चों की याद आई। अरे सर उन बच्चों की याद आती तो उन बच्चों की जाके सुध लेते, केवल ट्वीट से काम नहीं चला लेते, जाते वहां पर मिलते। ली उन्होंने कई बार मिले, एक बार बता दीजिए कब गए थे, चले वो तारीख बता दीजिए कब गए थे, हिमांशु बताइए तारीख कब गए थे अखिलेश यादव उन बच्चों की सुध लेने के लिए, बताइए हर बार बताइए सर। नहीं पता होगा आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप केवल राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। संजीव मिश्रा साहब, भाई अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने कहा कि मौत के आंकड़े सरकार छिपा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बस मालिक को बचाना चाहती है सरकार। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन सुस्त था इसलिए ऐसी बसें सड़क पर दौड़ रही थी, क्या गलत कहा उन्होंने? बताइए संजीव मिश्रा साहब, पार्टी ने वहां से 10 मिनट की दूरी पर था, फायर स्टेशन किसने बंद करा? संजीव मिश्रा साहब हिमांशु जी अब सुन लीजिए दूसरे को भी, संजीव मिश्रा साहब बोलिए। सैयद करिए भाई, अशरफ साहब आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है सर। बताइए आप हालचाल लेने जा रहे हैं और डॉक्टर को कह दे रहे हैं बाहर चले जाओ भाग जाओ, फिर तो हो चुका इलाज, आप तो जान पर जान के साथ किसी खिलवाड़ कर रहे हैं आप तो। जी हेलो अशरफ साहब आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कभी कभी अब आ रही है, अब आ रही है, बताइए सर, अब आ रही है, बताइए सर। जी आप सवाल दोबारा कर लेंगे सर? सर आप किसी का हालचाल लेने गए थे या किसी के साथ जान, किसी की जान पर बनाने की बात कहने गए थे? आप कह रहे हैं डॉक्टर ही बाहर चले जाए फिर इलाज कैसे होगा? नहीं देखिए ऐसा है, वो गए तो हालचाल लेने ही गए थे, पीड़ित का हालचाल लेने गए थे, लेकिन बावजूद उसके एक सीएम हैं, समझ सोच के किसी बात को करना चाहिए था। मैं उनके बयान के साथ नहीं हूं, वो पीड़ित से पूछ रहे थे कि आपको चेक मिला, इसी बीच में मिश्रा जी इंटरवीन कर गए, शायद उनको ज़्यादा ख़राब लग गया, और उसके जवाब में जो उन्होंने कहा वो आपके पास ऑन रिकॉर्ड है कि उनकी क्या स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी इस बात को उनको बहुत सोचने की ज़रूरत है, आप किसी भी कर्मचारी को इस तरह से आप स्टेट अवे नहीं कर सकते कि किसी आइडियोलॉजी से वो बिलोंग करते हैं या उनको जवाब देना चाहिए नहीं जवाब देना चाहिए। मेरा मानना है कि आप जिस काम के लिए गए थे उसी काम को करना चाहिए था और उनके दुख में शरीक होना चाहिए था, और अगर आगे जैसा कि आपने कहा है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो पीड़ितों को हम कुछ मुआवजा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको वहां किसी ऑफिसर से उसको छोटा या बड़ा कह के उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसको सही जवाब तो इसका जो समाजवादी का पक्ष रखते हैं लोग वही देंगे, लेकिन जहां तक जनरल वे में एक बात आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, मेरे हिसाब से उनको इस बयान से बचना चाहिए था। आप जिस बात के लिए गए थे वही आपके लिए काफी था कि आप उनको संतावना देते और कोशिश करते कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति, इस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए जिसमें कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो। इससे ज्यादा मेरे लिए माने नहीं रखता, चूंकि अखिलेश ने एक बयान दिया, अब बयान दिया उनके बयान को ठीक है, वो आपको कैमरे पर नजर आ रहा है कि उनका बयान के कुछ जुमले उसमें गलत है, लेकिन बयान पे ही जाएंगे तो कल देखिए स्टेट मिनिस्टर रघुराज सिंह अलीगढ़ में क्या बोलते हैं कि जो मोदी योगी के जो है खिलाफ नारे लगाएगा उसको गाड़ दो। तो अब सवाल है कि क्या करिएगा आप? अभी इत्तफाक है कायदे से, उसमें भी डिबेट होना चाहिए था, कम से कम आते कि इस मंत्री के कुल खिंचाई होनी चाहिए थी, थोड़ा नेशनल लेवल पर जाना चाहिए था मैसेज ये तो, लेकिन अब नहीं वो डिबेट का हिस्सा बन पाया, लेकिन एक मिसाल दिया मैंने। तो अब इस तरह के बयान है, अब उनके बयान को कैसे बीजेपी लेती है मैं नहीं कह सकता। संजीव मिश्रा साहब आपका आवाज मिल पा रही है? जी
हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी अंजीत भाई। सर अखिलेश यादव ने कहा कि बस मालिक को सरकार बचा रही है। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि बस मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पीछे शीशा लगा होता, टीम नहीं लगा होता, तो जान बच सकती लोगों की। क्या गलत कहा उन्होंने सर? आपकी लापरवाही से हादसा हुआ? नहीं, क्या गलत कहा, क्या उन्होंने सही कहा, ये बताइए सर। जो पूछा उसका जवाब तो दीजिए। छोटे कर्मचारी हो कह रहे सर, जो बाहर भगा रहे हैं वो पूछ लिया ना, बाहर भगाएंगे। अब हमारा काम डॉक्टर का प्रोफेशन, अब हमारा काम डॉक्टर का प्रोफेशन। संजीव मिश्रा साहब, हमारा काम करेंगे क्या? तो बात अलग है। हमने पूछ लिया ना सवाल, हमने पूछ लिया सवाल। वो सर आपसे जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। नहीं, क्या अखिलेश ये सर उन्होंने सवाल पूछा कि बस मालिक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा कि अगर बस के पीछे शीशा लगा होता, टीम नहीं लगी, उन्होंने जो सवाल पूछा की जान बच सकती थी, उन्होंने जो कहा वो वीडियो में दिखाया जा रहा है। अंजीत जी जो वीडियो में दिखाया जा रहा है उस पर आइए। उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से कहा है सर, वो क्या कहा बताए, सुनिए तो। संजीव मिश्रा, 5 साल संजीव अनाचार दुराचार अत्याचार और पापाचार की सरकार चलाने वाले, भाषण देने का कहीं और जाके दे लीजिएगा, चुनाव में दे लीजिएगा भाषण सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, उन्होंने 2-3 सवाल किए और उस सवाल का जवाब आना चाहिए, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? उन्होंने क्या कहा उस पर हमने सवाल पूछा, उस पर आपके मंत्रियों ने जवाब दिया, बताइए ना। वो सवाल भी दिखाइए। कौन सा सवाल दिखाऊं? आपसे पूछ के दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूं ना, वो सवाल भी दिखाइए। आपसे पूछ के दिखाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तय होगा क्या दिखाना है। जो दिखा रहे हैं आप उसमें अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, वो चल रहा है, कमाल हो गया, वो चल रहा है और उसी पर चर्चा हो रही है। लोग आपका चैनल देख रहे हैं, तरीके की बात कह रहे हैं, वो चल रहा है और उसी पर चर्चा हो रही है। आपके हिसाब से नहीं वही चल रहा है, और वही पूरा सोशल मीडिया में भी चल रहा है और दिखाया जा रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री के कहेंगे इस तरीके की बात कहेंगे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर सर मैंने दिखा दिया, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। सर मैंने दिखा दिया कितनी उम्र, सर मैंने दिखा दिया उम्र का वो व्यक्ति है, सर मैंने दिखा दिया। दूसरी चीज, ये प्रोग्राम आप रिपीट करके देख लीजिएगा, सुबह 8:30 बजे रिपीट होता है, वो भी देखिए। इन्होंने आचरण अपने पिताजी के साथ किया, अपने चाचा के साथ किया। सर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कुछ और जवाब आप कुछ और दें। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, केके अग्रवाल साहब बोलिए आप, मैं आता हूं संजीव मिश्रा साहब आपके पास। के अग्रवाल साहब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल लड़ाइयों में मेरा कोई रोल नहीं है जी। जो उन्होंने किया उस वक्त में, हमारे जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है, हो सकता है उनका उस वक्त में दिमाग कहीं और हो, उन्होंने ऐसा बोला जी। और ये मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको टेकअप करेगी, जो डॉक्टर को बुरा लगा वो मेडिकल फ्रेटर्निटी को IMA को लिखे, IMA will take it up. I don't think so. This should be, ये गलत है, वो गलत है जी। लेकिन इसको इस तरीके से पॉलिटिकल लड़ाई बनाने के फेवर में भी हम लोग नहीं है जी। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। वो जो डॉक्टर हैं, he should write to Indian Medical Association कि मेरे साथ ऐसा हुआ, and Indian Medical Association will take it up. नहीं सर, वो लिखेंगे, देखिए वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, डॉक्टर साहब वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे ये उनका निजी मामला है। आप कह रहे हैं हो सकता है ये प्रोग्राम देख रहे हो, वो लिख भी दें, गलत है। लेकिन मैं एक चीज आपको समझना चाहता हूं सर, कि आप किसी डॉक्टर को जो इलाज कर रहा है वहां पर, आप उसको कह दें बाहर चले जाओ, भाग जाओ, तुम बहुत छोटे कर्मचारी हो, बहुत छोटे अधिकारी हो, तुम समझ लो, ये अच्छा नहीं लगता पूर्व मुख्यमंत्री को। मेरे कहने का मतलब है मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलती करी, अब उसकी गलती के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विल टेक इट अप विद हिम। अगर उन्होंने गलत बोला है, हम कहाँ बोल रहे हैं कि उन्होंने सही बोला जी, उस वक्त में उनका क्या स्टेटस था, क्यों गलत बोला, उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विल टेक इट अप विद हिम। इसको इस बाकी सारे आपस की पॉलिटिकल जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं है। ठीक है, बाकी पार्टियां इसके ऊपर में जो लड़ रही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, उमाशंकर राजभर जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, Mm-hmm.
अखिलेश यादव को गुस्सा इसलिए रहा है, कम से कम मैं श्रीकांत शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, कम से कम अखिलेश यादव को उन्होंने पाकिस्तानी और राष्ट्रद्रोही नहीं उन्होंने कहा जो है, क्योंकि अखिलेश यादव जो गए थे जो अस्पताल की जो अव्यवस्था थी वहाँ पे मरीजों को देख करके उनका दिल इतना दुखी हुआ, क्योंकि जो मरीज जो है आईसीयू में होना चाहिए वह बाहर पड़ा हुआ था, इसलिए उनको गुस्सा आया कि इस तरह से जो अव्यवस्था उत्तर प्रदेश में फैली हुई है उस व्यवस्था के ऊपर अव्यवस्था के ऊपर, क्योंकि मैं बता दूँ कि यह सरकार जो है उस मरीजों की संख्या को छिपा रही है, कितने एक्सपायर हुए आपको मैं बता दूँ कि प्रयोगशाला विधि लखनऊ की खान साहब की रिपोर्ट आ चुकी है और 5 दिन इस हादसे को हो गया, 5 दिन बाद जाकर के आज FIR होती है। अगर अखिलेश यादव वहां पर नहीं जाते तो वहां पर आज भी वहां पर FIR नहीं होती, वहां पर ARTO जो है संजय कुमार झा कन्नौज जो है आज जाकर FIR की है, तो 5 दिन बाद FIR हुए। अगर अखिलेश संजय मिश्रा साहब जवाब दीजिए, उमाशंकर जी का, मैं आप उमाशंकर जी का जवाब दीजिए, संजय मिश्रा साहब प्रदेश में चल रहा है जवाब दीजिए, साढ़े 3 मुख्यमंत्री हैं अंजीत जी, 3.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उमाशंकर ये भी बताए, उमाशंकर ये भी बताए ये अखिलेश यादव के बयान पर रहे अंजीत जी, क्या ये अखिलेश यादव के बयान के साथ में कि जो अभी आज उत्तर प्रदेश भर में डॉक्टरों की हड़ताल हो रही है, विमल एजेंसी बस ट्रेवल्स है इसके ऊपर उस समय रोक लगाई गई थी, लेकिन 1.5 साल बाद भी उसकी बसें चल रही है, ये कैसे चल रही है सरकार को पूरी जानकारी है, क्योंकि सरकार को RTA के थ्रू पैसा पहुंच रहा है। मैं बता दूं केवल मुखौटा है, योगी जी तो सन्यासी के नाम, अरे छोड़िए योगी सरकार की बात ना करिए, ये जो है फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जिस तरीके का अखिलेश यादव है उस पर देखिए, उस पर बात रखिए अपनी, तीनों मैं बता दूं तीनों मुख्यमंत्रियों को कोऑर्डिनेट करने का काम संगठन मंत्री का, जिस तरीके का डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश के डॉक्टर सभी हड़ताल कर देंगे तो कौन जिम्मेदार होगा, टेस्टिंग कैसे होती है, हजारों जो मरीज है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, किस तरीके से डॉक्टर को आप बाहर कर रहे हैं, ये तरीका है आपका, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के, गुस्सा क्यों आया अखिलेश को, अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री है, गोरखपुर के आपका बिहेवियर ये है, चाटियो आपको बड़ों को सम्मान नहीं करना आता, आप जात पूछ करके सबका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, चाहे जिस जिले में SP जा रहा है, चाहे जिस जिले में DM जा रहा है, अरे नियम कानून भी कोई चीज है, आप कहा ना डॉक्टर साहब ने IMA को लिखना चाहिए था, IMO को लिख करके देते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या मतलब है, आप डॉक्टर को बाहर भगा देंगे, संगठित मरीजों का क्या होगा, आपके संगठन मंत्री बंसल जी कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं बड़ी गलत बात है, जिस तरीके से विपक्ष इस तरीके की भूमिका निभा रहा है वो भी गलत है, नहीं हो रही जो उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अगर हड़ताल कर देंगे तो क्या करोगे, संजीव मिश्रा साहब आप डॉक्टरों को उकसा रहे हैं, ये अखिलेश यादव की गलती है, संजीव मिश्रा साहब आप डॉक्टर को उकसा रहे हैं, संजीव मिश्रा साहब आप डॉक्टरों को उकसा रहे हैं, और एक वकील के नाते शोभा नहीं देती है बात, ये बात आपको शोभा नहीं देती, संजीव मिश्रा जी क्या होगा, खान साहब की रिपोर्ट अंजीत जी आप बताओ क्या होगा, संजीव मिश्रा साहब दिया है, संजीव मिश्रा साहब एक वकील के नाते डॉक्टर से इस तरीके एक वकील के नाते और एक प्रवक्ता के नाते ये बात शोभा नहीं देती नहीं अच्छा होता सर, ज्यादा है नहीं अच्छा होता, आप सोच लीजिए, हिमांशु जी आपका कोई सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्योंकि आपने शुरुआत में बहुत सारे जवाब दिए, आपसे तीखे सवाल भी किए गए थे और सवाल इसलिए किया गया था ताकि आप जवाब दे पाएं, हिमांशु जी बोलिए जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी के सीधा सीधा सवाल यह है कि बस के अंदर 45 यात्री सवार थे, बस के अंदर 45 यात्री सरकार सवार थे, जबकि सरकार ने यह कहा कि क्या नाम है 10 लोग की हत्या हुई है, मतलब 10 लोग मरे हैं, ठीक है, और एक जो आदमी मरा है वो जो है ट्रक के अंदर सवार था, हताहतों की संख्या को छुपाने का प्रयास सरकार कर रही है, बताइए भाई संजय मिश्रा साहब बताइए बस मालिक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, 5 दिन बाद FIR क्यों हुई, सवाल इस बात का है, मौत का आंकड़े क्या छुपा रही सरकार, सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव मालिक को कार्रवाई नहीं कर रही है उनका, संजय मिश्रा साहब कमाल कर रहे हैं आप, उस पर सवाल हो गया ना, कार्रवाई भी होगी और सब कुछ टेप रिकॉर्डर कर बोलते हैं, जिस तरीके से आप डॉक्टर को बाहर भगा रहे हैं ये तरीका है, अशरफ साहब ये जवाब क्यों नहीं देना चाहते, आपके बगल में है जल्दी से बताइए सर, समय कम है, अशरफ साहब जल्दी से सर, सरकार को 5 दिन क्यों लगे FIR करने में, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है मैंने तो शुरू में ही कहा कि उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए था, जिस बात के लिए गए थे वही काम करना चाहिए था, अगर बीच में कोई ऑफिसर इंटरवीन कर गया तो इतना ज्यादा उसमें वह भड़कने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुद्दा आपने एक सवाल पूछा है कि इतना गुस्सा क्यों है, सरकार की कारकर्दगी ऐसी उसके खिलाफ गुस्सा होना चाहिए, लेकिन गुस्सा निकालने की वो जगह नहीं थी, गुस्सा निकालने के बहुत से फोरम है,
अब एक आदमी का मंत्री 20 करोड़ जनता को कह रहा है कि जिसने योगी मोदी के खिलाफ बात की उसको गाड़ दूंगा, बिल्कुल गलत है सर। अफसोसनाक एक इंडिविजुअल को एक बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय मिश्रा साहब, आपने एक भी सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।